नमस्कार, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी हार्ट इशू एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है इस समय शिक्षा को लेकर, जहां पर कोरोना महामारी के चलते अभिभावक और निजी स्कूल संचालक जो हैं वे आमने सामने हैं, जहां निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि स्कूल फीस और उनकी भी जो है उनका भी ध्यान रखा जाए, लेकिन वहीं जो है अभिभावक जो है उनका कहना है कि कोरोना महामारी के चलते जो हालात अभी तक हुए हैं, परिवार चलाने में मुसीबत आ रही है, वहीं जो है ये चाहते हैं कि इनके बच्चों की फीस माफ़ की जाए। ऐसे में एक हार्ड इशू के बीच एक नया मुद्दा हमारे सामने आया है, जहां पर एक स्कूल निजी स्कूल संचालक ने कोरोना महामारी के बीच जो है एक बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए निःशुल्क पढ़ाई कराने का फैसला लिया है कि वे जो है बच्चों को निःशुल्क कराएंगे। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है एक निजी स्कूल संचालक के शिक्षक, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। आपका वॉइस एमपी में स्वागत है, आपका पूरा नाम क्या है और आप कौन सा स्कूल चलाते हैं, और ये जो आपके मन में भाव आया है कि कोरोना महामारी के बीच जो है कि आपको निःशुल्क पढ़ाई करानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है तरुण पाटीदार और द यूनिवर्सल अमेरिकन इंग्लिश स्कूल केलूखेड़ा का संचालक हूँ मैं, और एक ब्रांच हमारी हरक्याखाल में चलती है जो प्ले ग्रुप चलता है नर्सरी एलकेजी यूकेजी। कोरोना के इस मापदंड में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे दिन दिहाड़ी लोग हैं जो अपने आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, और इस बीच क्या हो रहा है कि ना तो जो दिन दिहाड़ी लोग मजदूर जो है ये ना तो कहीं काम पे जा पाए हैं, ना कुछ आय का इनकम हो पाया है, इस बीच इनके पास पैसों का बहुत बड़ा इशू हो रहा है। इस बीच मेरी माताजी के नेतृत्व में प्रेम देवी शिक्षण प्रसार समिति के नाम से हमारी संस्था संचालन करती हैं, और इस बीच मेरी मम्मी का ये कहना था, मेरी माताजी का कहना था कि आप इस वर्ष पूरी तरह से स्कूल आपको फ्री सुविधा देनी है, और ये किस तरीके से देनी है मैं नहीं जानती हूँ। इस बीच हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि हम नर्सरी से आठवीं क्लास तक पूरी कक्षाओं को निःशुल्क सेवा देंगे और पढ़ाई का खर्च अमेरिकन स्कूल ही वहन करेगा। साथ ही इसके बैकग्राउंड में अगर बात की जाए कि ये पैसा हम कहाँ से लगाएंगे या फिर क्या चीज़ है, तो मम्मी हम बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, और जहाँ पर मैंने एक न्यूज़ देखी थी पहले मुंबई में कि एक हाथ थैला वाले ने अपनी पूरी ज़िंदगी की इनकम पीएम फंड में दान दे दिए, जब वो छोटे छोटे स्तर के लोग पूरे राष्ट्र हित में काम करने के लिए तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत से जुड़े हुए जहाँ लोगों ने इसको एक व्यापार नाम दे रखा है, उसके बीच हमारी मानसिक स्थिति ये कहती है कि हर जगह पर शिक्षा व्यापार नहीं है, और इस बीच हमने निःशुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया है और हम अभिभावकों के साथ हैं, और बस इसी तरीके से हमने आगे निर्णय लेकर हम इसको पूरा करेंगे। हाँ, एक आपने बताया कि आपने जो फैसला लिया है अच्छा फैसला लिया है, लेकिन इस बीच जो है आपके स्कूल में अब तक कितने बच्चे पढ़ते हैं और किस तरह की जो है अब आगे की आपकी रणनीति लगेगी, क्योंकि कहीं एक तरफ जो है आपके साथ वाले स्कूल संचालक जो निजी स्कूल संचालक हैं वे कहते हैं कि हमारे लिए जो है कोरोना महामारी उनको काफ़ी परेशानी आई है, वे चाहते हैं कि उनको जो फीस माफ़ नहीं की जाए और अभिभावकों से फीस लें और उनको जो है राहत सरकार से को दी जाए, लेकिन एक तरफ आप सामने निकल के आए हैं कि आपने जो फैसला लिया है कि आप जो निशुल्क चलाएंगे, तो कितने बच्चे अभी आपके स्कूल में पढ़ते हैं, किस तरह से? अभी हमारे स्कूल में दोनों स्कूल में मिलाकर 380 बच्चे हैं, और साथ ही जिस तरीके की बातें जो निकल के आ रही है कि अभिभावक और पालकों के बीच, अभिभावक और टीचरों के बीच में, स्कूलों के बीच में संघर्ष चल रहा है कि 3 महीने की फीस ये हमसे वसूल रहे हैं या फिर माफ़ नहीं कर रहे हैं, इस बीच मैंने निर्णय लिया था कि ये गलत तरीका है। शिक्षा जगत जो है एक सेवा का माध्यम है, ये कोई एक व्यापार नहीं है, ये कोई लाभ कमाने की पूंजी नहीं है, लाभ हम बाद में रखते हैं, पहले सेवा देने का दायित्व हमारा होता है, और जिस तरीके से एक कलंक लगा हुआ है कि शिक्षा व्यवसाय के रूप में हम चला रहे हैं, इसके बीच ही मैंने सोचा था कि अगर हम ही ऐसा करेंगे तो हम आगे जाके जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको हम क्या शिक्षा देंगे, हम किस तरीके का मैसेज हम राष्ट्र हित में हम देंगे, और ये सबसे बड़ा हमारा दायित्व बनता है कि हम 3-4 सालों से या फिर बहुत सालों से स्कूल चला रहे हैं, इस स्कूल के बीच में हम लोगों से अर्न नहीं कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो क्या इन हालातों में हम 1 साल बच्चों के हित में हम काम नहीं कर सकते हैं? तो हमने यही सोचा है कि हम 1 साल बच्चों के हित में काम करना है, और बाद में रही कि ये मैनेजमेंट हम किस तरीके से चलाएंगे, तो हमारी खेती है थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत इनकम है, इसके जरिए हम घर से ही सारी व्यवस्था करके हम बैठे हैं और सारा एक्सपेंसेस हम इस तरीके से चलाएंगे। आपके स्कूल में अभी कितने टीचर हैं, कितने शिक्षक हैं जो इन बच्चों को, 300 बच्चे जो आपने बताया इनको पढ़ाते हैं, कितना आपका स्टाफ है जो अब पूरा स्टाफ जो है निःशुल्क पढ़ाई करेगा, क्या वो स्टाफ भी आपके साथ हैं?
जी देखो क्या होता है कि अभी जितने भी स्टाफ हैं हमारे साथ में वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं डेली सर्विस से जुड़े हुए हैं, उनको जॉब की नीड भी हैं, तो हमने इन क्राइटेरिया में स्टाफ को नहीं रखा है क्योंकि हमें ये भी पता है कि उनका घर किस तरीके से चलेगा, वो भी आज डिपेंड है, उनके माता पिता भी उनके ऊपर डिपेंड हैं। लेकिन जो भी स्वेच्छा से शिक्षक हैं हमारा भी 26 का स्टाफ है, और जो भी कोई भी अगर यहाँ पर फ्री एजुकेशन देना चाहता है या फिर बाहर के जो भी रिटायर जो भी टीचर्स हैं वो फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, हम उनकी सेवा भरपूर लेंगे। और साथ ही उनकी जो सेवा रहेगी और जो भी निःशुल्कता हमें जो पढ़ाएंगे, और हमने तो इस साल ये भी किया है कि 500-500 रुपये 1000-1000 रुपये का बोनस भी हम टीचरों को देंगे ताकि उनका घर परिवार भी चलता रहे और साथ में शिक्षा जगत में निःशुल्क सेवा हर अभिभावक तक पहुंच सके। हर गरीब वर्ग का बच्चा हो, सक्षम बच्चा हो या फिर असक्षम बच्चा परिवार का बच्चा हो, सभी के लिए हमने समान लेवल रखा है। ऐसा नहीं रखा है कि गरीब बच्चे हैं या गरीब परिवार के बच्चे उनको हम फ्री पढ़ाएंगे। शिक्षा समानता सिखाती है और समानता के साथ हमारा पूरा स्टाफ हमारे साथ में है और हम सब मिलकर एक साथ अच्छे से काम करेंगे और निःशुल्क सेवा देंगे। तो शिक्षा जगत में जहाँ एक तरफ जो है हमेशा पढ़ाई और शिक्षा के ऊपर जो है व्यापार का आरोप लगता हुआ आया है कि ये जो है एक व्यापार बन चुका है, लेकिन इस बीच जो कोरोना महामारी के बीच जो है जहाँ शिक्षक और अभिभावक आमने सामने हैं, एक तरफ ये मांग कर रहे हैं कि इनकी फीस माफ़ की जाए, शिक्षक चाहते हैं कि माफ़ नहीं की जाए, लेकिन इस बीच जो है एक शिक्षक ऐसे निकल के सामने आए हैं जो निःशुल्क पढ़ाने का फैसला लिया है, जो शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण है और समाज के लिए एक बड़ा मैसेज जो है इन्होंने दिया है। मेरे सहयोग की शादाब के साथ नवीन पाटीदार।